आजकल ही काफी देखने को मिलता है कि लोग पुलिस से बहुत डरते हैं और पुलिस भी रूल्स फॉलो किए बिना किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर लेती है और उसको काफी लंबे समय तक हिरासत में रखती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको आपके राइट्स नहीं पता होते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे राइट्स जो अगर आपको पता होंगे तो आप पुलिस से बिल्कुल नहीं डरेंगे और पुलिस आपका मिसयूज नहीं कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आती है तो सबसे पहले सीआरपीसी सेक्शन 50 सबसेक्शन ए के तहत आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। आजकल ऐसा कई जगह देखने को मिलता है कि पुलिस बिना कोई कारण बताए किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप उनसे पता करिए कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। सीआरपीसी सेक्शन 46 सबसेक्शन ए के तहत महिला को सिर्फ महिला पुलिस ही गिरफ्तार करेगी। सीआरपीसी सेक्शन 46 सबसेक्शन 4 के तहत किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मतलब कि सूरज निकलने के बाद और सूरज डूबने से पहले पहले तक ही किसी महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर इस बीच पुलिस को किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी होगी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामलों में वारंट देखने का अधिकार। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑफेंस दो तरह के होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जो छोटे छोटे क्राइम होते हैं, जैसे कि किसी के साथ धोखाधड़ी करना, ऐसे मामलों में पुलिस बिना किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामलों में पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आती है तो आपके पास वारंट देखने का अधिकार है। जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी बड़े क्राइम के मामलों में पुलिस किसी को भी बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सीआरपीसी सेक्शन 41B के तहत अरेस्ट मेमो बनवाने का अधिकार। पुलिस जब आपको अरेस्ट करती है तो आपके पास राइट होता है कि आप मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनवाए। ये एक मेमो होता है जिसमें पुलिस को लिखना होता है कि उसने आपको किस जगह से गिरफ्तार किया है और जिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है उसकी रैंक क्या है और किस लिए गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस पर किसी फैमिली मेंबर के या मोहल्ले के किसी रेस्पेक्टफुल पर्सन के उस पर सिग्नेचर करने होते हैं। साथ ही जिस पर्सन को गिरफ्तार किया गया है उसके भी मेमो पर सिग्नेचर कराए जाते हैं। आजकल ये भी कई जगह देखने को मिलता है कि अरेस्ट मेमो बनवाया ही नहीं जाता है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप पुलिस से बोलिए कि वो अरेस्ट मेमो तैयार करे और उसमें आप पूरी डिटेल्स लिखवाइए। सीआरपीसी सेक्शन 50A के तहत पुलिस को अरेस्ट किए गए पर्सन की फैमिली या रिलेटिव्स को इस गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी। पुलिस ने अगर आपको कहीं बाहर से अरेस्ट किया है या आपको घर से अरेस्ट किया है और वहाँ पर कोई फैमिली या रिलेटिव्स नहीं था, तो बाद में पुलिस को आपकी फैमिली को या आपके रिलेटिव्स को इस गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी कि आपको गिरफ्तार किया गया है और आप इस थाने में हैं और इसलिए आपको गिरफ्तार किया गया है। सीआरपीसी सेक्शन 55A के तहत गिरफ्तार किए गए पर्सन की हेल्थ और सुरक्षा का ध्यान रखना पुलिस की ड्यूटी है। पुलिस जब आपको गिरफ्तार कर लेती है तो ये आपका राइट बन जाता है कि पुलिस आपकी हेल्थ और आपकी सुरक्षा का ध्यान रखे। सीआरपीसी सेक्शन 41D के तहत गिरफ्तार हुए पर्सन को इंट्रोगेशन के दौरान अपने वकील से मिलने का पूरा अधिकार है। पुलिस जब आपको गिरफ्तार कर लेती है तो उसके बाद इंट्रोगेशन करती है, तो इंट्रोगेशन के दौरान आपको ये अधिकार है कि आप पुलिस से कहें कि मुझे अपने वकील से मिलना है और वकील से मिलने से पहले तक मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इसके बाद पुलिस की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो एडवोकेट को इन्फॉर्म करे या फिर आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करे कि गिरफ्तार हुए पर्सन के वकील को लाया जाए। सीआरपीसी सेक्शन 57 के तहत गिरफ्तार किए गए आदमी को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं लिया जाएगा। अगर 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना है तो सीआरपीसी सेक्शन 167 के तहत मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। कई मामलों में ऐसा होता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में पूरी नहीं हो पाती है, तो ऐसे में पुलिस अगर किसी भी पर्सन को हिरासत में 24 घंटे से ज्यादा रखना चाहती है तो इसके लिए मैजिस्ट्रेट से सेक्शन 167 के तहत एक परमिशन लेनी होगी और परमिशन लेने के बाद ही 24 घंटे से ज्यादा उसको हिरासत में रखा जा सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि पुलिस ने हमें 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक हिरासत में रखा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, उन्हें अपने राइट्स नहीं पता है। अगर आपको आपका राइट पता है तो आप जान सकते हैं कि पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती है।
सीआरपीसी सेक्शन 56 के तहत 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। पुलिस जैसे ही आपको अरेस्ट कर लेती है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना उसकी ड्यूटी है, और ये आपका अधिकार है कि आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। सीआरपीसी सेक्शन 54 के तहत पुलिस को गिरफ्तार किए गए पर्सन की रिक्वेस्ट पर उसका मेडिकल टेस्ट कराना होगा। जैसे ही आपकी गिरफ्तारी होती है तो आपको डिमांड करनी चाहिए पुलिस से कि आपका एक मेडिकल कराया जाए। आप कुछ भी बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है या ये बीमारी है, तो पुलिस की ये ड्यूटी बन जाएगी कि वो आपका मेडिकल कराएगी। इसके बाद जब आपको कोर्ट में ले जाया जाता है तो उससे पहले भी आपका मेडिकल कराया जाता है, तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि पुलिस आपके साथ मारपीट नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर गिरफ्तारी के टाइम ही आपका मेडिकल हो गया तो उसके बाद कोर्ट में जाते समय जब मेडिकल होगा, अगर पुलिस आपके साथ मारपीट करेगी तो उस मेडिकल में वो चोटें आएगी। तो इसलिए अगर आप पहले ही मेडिकल करा लेंगे तो पुलिस आपके साथ ऐसी कोई मारपीट नहीं करेगी जिससे आप पर चोटें आएं। सो गाइस, ये कुछ राइट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। यहाँ पर मैंने राइट के साथ साथ ही आपको सेक्शन भी दिया है। अगर आपको इनके बारे में पता होगा तो पुलिस आपका मिसयूज नहीं कर पाएगी। आप गिरफ्तारी से पहले वारंट देख सकते हैं, आप मेमो बनवा सकते हैं, साथ ही आप अपना मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। गिरफ्तार होने के बाद इंट्रोगेशन के दौरान आप अपने एडवोकेट से मिल सकते हैं, और साथ ही पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती है। अगर हिरासत में रखेगी तो उसे मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। अगर कभी ऐसा होता है कि पुलिस आपके किसी राइट का वायलेशन करती है, जैसे कि अगर पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखती है या फिर आपका मेडिकल चेकअप नहीं कराती है, तब आपकी फैमिली को एसपी के पास या फिर मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट करनी चाहिए। आपकी फैमिली या रिलेटिव्स एसपी ऑफिस जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी शिकायत दे सकते हैं। तो ये राइट्स काफी इम्पोर्टेंट है और आपको इनके बारे में पता होना ही चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।